देश के सर्वाधिक चर्चित व विवादित वर्षों पुराने मामले अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद छतरपुर शहर में भाईचारे तथा शांति का माहौल रहा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के CJI ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सरकार को ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण होगा, जबकि अयोध्या में ही मस्जिद को भी जगह देने की बात कोर्ट ने कही। अयोध्या फैसले के बाद छतरपुर में हर तरह की गतिविधियों पर जिला कलेक्टर मोहित मुंडूस तथा पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह की निगाहें रहीं, जहां शहर के मुख्य मार्ग पर भ्रमण कर निरीक्षण भी किया गया। बता दें कि शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि आम लोगों के साथ राजनीतिक तौर पर सभी पार्टी के नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए नगर में शांति बनाए रखने में सहयोग किया। छतरपुर से शुभम सोनी की रिपोर्ट। फैसला जो हुआ है सभी को बधाई, और निश्चित है कि सामान्य न्यायालय ने जो फैसला लिया है वो उचित है और सभी पक्षों के लिए अच्छा है। और ख़ास तौर से मैं अपने शहरवासियों से अपील करना चाहूँगी कि हम लोग ने हमेशा गंगा जमुनी जो हमारी संस्कृति है उसको हम सभी ने दर्शाया है, और वो निश्चित है कि शहर में भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही शांति और अमन का माहौल है, और निश्चित है कि शहरवासियों ने भी इस जो फैसला आया है इसका स्वागत किया है, और हम सभी बहुत अच्छे से इस फैसले को मानते हैं। जो आज देश का सबसे बड़ा फैसला हुआ है अयोध्या मैटर में, जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मैटर था, इसको जो हमारे देश के जो जस्टिस हैं इन्होंने दोनों समुदायों को देखते हुए और इस फैसले को बहुत ही हिसाब से किया, ताकि किसी में कोई विवाद पैदा ना हो, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसा कि सारे लोग चाहते थे कि देश में अमन रहे, चैन रहे, उस हिसाब से इन्होंने जो निर्णय लिया है कि ये केंद्र सरकार के अंडर में ट्रस्ट बना के इसकी देखरेख रहेगी, ये किसी एक व्यक्तिगत पर्सन का नहीं रहेगा, इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं, तहे दिल से इसकी इज्जत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है निश्चित रूप से वो एक सर्वमान्य है, और उच्च संस्था के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, आम जन को दिया गया है, वो सम्मान योग्य है, और हमें आपको सबको उसका सम्मान करना चाहिए, और जनहित में उनके द्वारा दिए गए फैसले का हम सबको मान्य करना चाहिए।